हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूट्यूब मिस्ट्री। हम आपके लिए इसमें टेस्टिंग लाए हैं, फूड टेस्टिंग, और मैं हूं राज यादव। देखिए आज कलर टेस्ट चक्की आटे का, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह करते हैं। तो पहला जो आप सैंपल देख रहे हैं, ये करंट अभी जो चल रहा है वो सैंपल है। दूसरा हमारा सैंपल जो है वो स्टैंडर्ड सैंपल है। तो पहले सैंपल को इस पट्टी पर चम्मच की सहायता से रखते हैं। इसमें कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसमें ग्लव्स, मास्क का यूज़ और एप्रन का यूज़ नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो हम इसमें ग्लव्स, मास्क, कैप, एप्रन का यूज़ करते। तो हमने पहला सैंपल लगा दिया है इस पर और इसको सेट कर देंगे। इसको इस तरह से सेट करेंगे ताकि ये बिल्कुल एडजस्टमेंट हो जाए। फिर इसको सेट करने के बाद दूसरा सैंपल लेते हैं जो स्टैंडर्ड सैंपल है। इस सैंपल को लेने के बाद फिर इस पे उसी साइड पे इसको इस तरह से लगाते हैं कि दोनों के बीच कोई डिफरेंस ना रहे, और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको लगाने के बाद फिर इसको फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल को लगा दिया है और इसको भी सेट कर दिया है। स्पैचुला, छोटा चम्मच बोल सकते हैं इसको, इसे इस फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल को सेट कर दिया है। अब ट्रायंगल को लेंगे। ट्रायंगल को लेके इस पर हल्का सा पुश करेंगे जिससे कि ये टाइट हो जाए और गिरे ना। और जब ये टाइट हो जाता है तो इसके गिरने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, जिस कारण से इस पर इतना हल्का सा दबाव लगाया जाता है कि कलर अपने आप पता चल जाता है। इसको पिकर टेस्ट कहते हैं। इससे चक्की आटा, मील आटा, मैदा, रवा और बेसन की टेस्टिंग की जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको एडजस्ट किया है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक सारी टेस्टिंग कीजिएगा, क्योंकि टेस्टिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके भविष्य में करियर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए लाभकारी होगी। तो इसी तरह से इसको सेट कर देते हैं ताकि ये गिरे ना। स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह सेट करते हैं ताकि इसके किनारों पर थोड़ा सा कैप रहे। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड सैंपल की स्टेट टिक्स बताई जा रही है। अब इस सैंपल को आप देख सकते हैं। इस सैंपल को फिर हम पानी में डुबोते हैं धीरे धीरे से, एकदम बिल्कुल शुद्ध और साफ पानी में हल्के से इसको डुबोते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ट्रे में एकदम शुद्ध पानी है, इसमें मैंने इस सैंपल को डुबो दिया है और धीरे से इस सैंपल को निकालते हैं। निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा सैंपल बिल्कुल सही है, पट्टी पर लगा हुआ है और हार्ट एयर ओवन में रख देते हैं। इसे बहुत ही सावधानी से इसमें रखते हैं। इसका टेम्परेचर 130 से 33 डिग्री रखते हैं और इसको बंद करके एक मिनट से कम समय में इसको निकाल के देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा पिकर टेस्ट तैयार है। तो आप में इसमें डिफरेंस भी दिख रहा होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दिख रहा होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अंतर आ रहा है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं राज यादव फिर मिलूँगा आपको एक नए टेस्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी, हमारे अन्य यूट्यूब चैनलों के लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर वायरल वीडियो, कविता, कहानी, गाने देख सकते हैं।